सुभद्राय सुभद्राय अस्मान् विश्वानि देवायुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॐ मातरं भगवती देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे बीच में बैठे हुए सभी वरिष्ठ परिजन, अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें, आज हमारा नवा दिन है और आज के बाद नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने चालू किया था अपना जो ये लेक्चर का क्रम जो है वो 26 तारीख से, और आज 4 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो आज हम उसी प्रसंग को जो हमने कल कहा था उसको आगे बढ़ाएंगे और उसी प्रसंग में हम लेंगे श्लोक क्रमांक, कौन सा होगा भाई? कई लोग बोल रहे हैं अध्याय 9 श्लोक नंबर 30, ठीक। तो आज का श्लोक आरंभ हो, इसके पहले गीत होगा अभी। माता तेरे चरण, माता तेरे चरण की स्थापना, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, ये जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों कृपा तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है, श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है, श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है, एक बूंद हमें दो माँ, एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में।
चंचल है, पूजन में नहीं लगता है। मन भरा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, उतना ही मचल जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों ध्यान लगाया कर। माँ के चरणों में तू नित ध्यान लगाया कर। पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर। पाना मन में वह प्यार जगा, मन में वह प्यार जगा। माँ में ही समा जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए, वरदान जो मिल जाए, स्थान जो मिल जाए त्रिमंत्र मेरे साथ साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै स
श्रद्धा प्रज्ञा युता चया, श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय, श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। आज नवमी देवी का नंबर है सिद्धिदात्री, अंतिम शिखर पर पहुंच गए। और नौ दिन नवरात्रि के तुम लोगों ने किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए। व्रत किए, अनुष्ठान किया, आलू खाए नहीं खाए, क्या खाया? भोजन, भोजन अपना जो भोजन चलता है ना, कोई और कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अभी यंग हो और तुमको अभी तुम भूखे रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आज के बाद भी अब अगर भूखे रहोगे ना तो गड़बड़ है। आज अच्छी तरह से खाना खा लेना। पूर्ण भाव दृष्टा में स्थिति केवल के माध्यम से चित्त को ऊपर पहुंचा देती है। आप्त काम हो जाता है मनुष्य साधक, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लौकिक आध्यात्मिक रूप में योगेश्वर भोगेश्वर साधक को भी योगेश्वर बनाती है। भोग जो करना चाहता है भोग करे, योग के रूप में करना चाहता है तो योग करे। अन्नपूर्णा है, ये जो देवी है अन्नपूर्णा है, भोजन कराती है, इसीलिए मैंने भोजन से चालू किया। अन्नपूर्णा है, भोजन कराती है और जीवात्मा की क्षुधा पूरी करती है। जीवात्मा की क्षुधा परमात्मा का सामीप्य है और वो उसको पूरा करती है। जीवात्मा की क्षुधा भी पूरी करती है और जीवात्मा की भूख क्या है? ऊंचा उठना, आध्यात्मिक उत्कर्ष, वो सब यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। एक अंतिम गांठ भी खुल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति इसके माध्यम से। ये जो नौ देवियों के वर्णन हैं ये अपनी किताब में भी हैं, हमारी किताब में भी हैं। और तुमको अगर पढ़ना हो तो मैं दे दूंगा इसका प्रिंट आउट पूरा, ये नौ देवियों का वर्णन। आज का श्लोक है 30वां, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अब इसको थोड़ा संधि विग्रह कर लें। चेत, चेत है ना यदि, सुदुराचार्य अतिशय दुराचार्य, अतिशय दुराचार्य बहुत ज़्यादा जिसने दुष्ट दुष्टता के काम किए हों। अपि भी अनन्य भाक अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर माम मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। मैं अब संस्कृत नहीं बोल रहा हूँ, वह साधु ही मानने योग्य, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान, परमेश्वर के उसके उसको समर्पण के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। अब ये इतना प्यारा श्लोक है, ये तब आया है जब हम सारी बातें कह चुके आपसे। साधना की संपूर्णता का और पूर्णाहुति का दिन, नौ दिनों में हमने भक्त भक्ति और भगवान इस प्रसंग पर चर्चा की, गहरे में समझने की कोशिश की। आज अंतिम दिवस पर हम भक्ति की महिमा पर बात करेंगे। भक्ति वो जो भक्त को भगवान से जोड़ती है, भक्ति वो जो भगवान को भक्त से जोड़ती है।
जो भक्त की चेतना को भगवान की चेतना में विलीन करती है। भक्ति वो प्रवाह है, वो सूत्र है जिससे भगवान की चेतना और भक्त की चेतना मिल जाती है। वेल्डिंग, वेल्डिंग है जैसे मेटल की वेल्डिंग करते हैं ना, दोनों मिल जाते हैं जीवात्मा, इससे भक्त भगवान से संयुक्त हो जाता है। इस प्रकरण में जो आज जो अध्याय है नवा 30वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान कहते हैं मेरा आश्वासन है भक्त के लिए, यदि तुम में से कोई अतिशय दुराचारी भी हो और मेरा भक्त होकर के यदि मुझको भजता है तो साधु ही मानने योग्य हो, उसको साधु मानो, साधु ही मानने योग्य है। क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, उसने तय कर लिया है कि परमेश्वर का स्मरण करने के अलावा और जीवन दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं बाकी सब काम करूँगा पर परमेश्वर का भजन, परमेश्वर के साथ मेरा जुड़ाव वो रोज होता रहेगा। दुराचारी को साधु क्यों मानना? क्योंकि भक्ति वो रसायन है, वो कीमिया है जो मानव चेतना में जीवन चेतना में रूपांतरण करने में समर्थ है। और जो जो हमारा दुरात्मा है यानी दुष्ट आत्मा जिसने खूब पाप किए हैं उसको भी वो सही कर देता है भक्ति। भक्ति की पात्रता है, भक्ति की प्रामाणिकता है, भक्ति की साख है, भक्ति के बारे में ऐसा अनुभव है, ये ऐसा करने में समर्थ है, ये बदल सकती है, रूपांतरित कर सकती है, इससे जीवन का स्वाद बदल जाता है, साख बदल जाती है, जीवन की रंगत बदल जाती है। कुछ ऐसे जैसे दूध और दही, दूध में अगर आप दूध नहीं खोज सकते फिर उसमें आप दूध का स्वाद पाते हो जब चाहते हो तो, पर दूध पहले इस बर्तन से उस बर्तन में जब दही जमा दो तो दही हिलता डुलता नहीं, चक्कर देखो तो दूध मीठा और दही खट्टा, सब कुछ बदल जाता है भक्ति में। ये अनोखा रसायन है भक्ति, अनोखा रसायन है, मतलब कुछ तुमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं जाता, भक्ति एक अनोखा रसायन है। भक्ति जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाती है। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में एक पुस्तक की चर्चा की थी हमने, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में एक पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई थी, वो पुस्तक अभी भी चर्चा में है, लोग उसको पढ़ते हैं। गांधी, महात्मा गांधी ने उसको बहुत लोकप्रिय किया। ये थी लियो टॉल्स्टॉय, ये जेम्स रस्किन की किताब थी, अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। इन दिनों इस पुस्तक का अनुवाद भी छपा था और हिंदी अनुवाद अभी मेरे पास तो नहीं है पर मैं ढूंढूंगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अंत्योदय, अंत्योदय, अंतिम उदय, अंत्योदय हिंदी अनुवाद, अंत वाले व्यक्ति का भी उदय हो, कोई ना छूटे। उनकी कल्पना थी, उनके विचार थे, उनकी रूपरेखा थी कि भारत देश जब स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्रता के बाद देश की तस्वीर कैसी होगी। हमारा देश 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुआ 1947 में, 20वीं शताब्दी की बात है, 20वीं के बाद 21वीं सदी आ गई। लेकिन मैं उस समय की बात बताता हूँ जबकि सदियाँ शुरू नहीं हुई थी। अभी तो सदियाँ हम ईसा के माध्यम से मानते हैं, पर जब हम भगवद गीता की बात करते हैं तो उस समय जीसस पैदा नहीं हुए थे, सदियों की गणना नहीं होती थी। हमारे जीवन में जो सदियों की गणना होती है वो उसके स्वर केवल भारत देश में है। हम ईसवी संवत मानते हैं, विक्रम संवत मानते हैं, हम शक संवत मानते हैं, युधिष्ठिर संवत भी मानते हैं, चार तरीके संवत हैं हमारे यहाँ। ये जो चल रहा है ये कौन सा चल रहा है? विक्रम संवत। कौन सा, कौन सा? 2079। ठीक, ये अब महाराज राजाधिराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, वो पुनः चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित हुए, तब उनके बाद उनका युधिष्ठिर संवत माना गया। जब ये संवत नहीं थे तब भी एक संवत चलता था, सृष्टि संवत। इन संवत्सरों के पहले जैव सृष्टि संवत की गणना होती थी।
जब भगवद गीता का गायन हुआ तब माघ जब माघ शुक्ल शुक्ल एकादशी को ऐसा संवत आया तो एक ऐसी तिथि आई थी भगवान कृष्ण ने गीता का गायन किया था, उस समय भगवान उवाच के स्वर गूंजे थे। भगवान उवाच यहाँ से चालू हुआ था वो वाला स्वर, उस समय की बात हम करते हैं। उस समय अनूठे और अनोखे प्रकाश की हम कल्पना करते हैं। भगवान कहते हैं कि वो नहीं जिनका समाज में स्थान, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य की गणना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको समाज अपराधी मानता है, जिनको दुष्ट मानता है, जिन्होंने गलत गलत काम भी किए हैं। मैं उनके लिए दुराचरण में गलती से लीन हो गए, जो भटक गए हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। कितना सुंदर है देखिए वर्णन, भगवान कहते हैं कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जो गलती से गलत काम में लग गए। कहते हैं कि उनमें भी ये मत सोचिए भक्ति कहाँ तक परिवर्तन ला सकती है, ये मत सोचिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र को संत बना सकती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अंधेरों में घिर चुके हैं, ढेर सारे अंधेरे उनको घेरे हुए हैं और दुराचरण में लिप्त हो चुके हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो भी साधु बन सकते हैं। कितना बड़ा स्टेटमेंट भगवान ने दिया है। भक्ति के रसायन में, भक्ति के अनुभूति में अनूठी ताकत है। जो तपश्चर्या के योग्य नहीं है, जो योगाभ्यास के योग्य नहीं है, जिनके लिए तप का, योग का, साधना के अन्य मार्ग नहीं खुले हैं, उनकी भी मैं मदद करता हूँ। भगवान कहते हैं उनका भी उदय होगा, जो अंधेरों में पहुँच गए वहाँ भी उजाले प्रकट किए जा सकते हैं भक्ति के द्वारा, अगर वो मेरे भक्त बन जाएँ तो। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बन जाएँ तो फिर मैं उनको पूरी तरह से उनको बदल दूंगा। भक्ति की महिमा ऐसी है कि उस दुराचारी को क्या करना है, उस दुराचारी को कैसे बदलना है, वो सब के सब बताते हैं पूरा। कई बार मरीज़ दवा नहीं खा पाता, उसकी स्थिति नहीं है कि ओरल मेडिसिन ले सके, तो उसको इंट्रावीनस देते हैं, ड्रिप लगा देते हैं। भक्ति ऐसी ही समर्थ और सक्षम औषधि है, उसकी ड्रिप लगा देते हैं। भक्ति की लगाते ही तुरंत बदलाव आने लगता है। जीवन का रूपांतरण करने के लिए जन्म जन्म से जो भटक रहे हैं, जन्म जन्म से भटक रहे हैं, उन सब के लिए रास्ता है। भगवत प्रेम दूर तक प्रसारित होता है, दूर तक फैलता है। भगवान सबके लिए हैं, उनके लिए नहीं जिन्होंने मंदिर बनवाए। भगवान उनके लिए नहीं है जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े महल जैसे बनाए। उनके लिए नहीं है जो झंडे गाड़े, उनके लिए नहीं जो कीर्तन करते हैं, रोज कथा करते हैं। भगवान उनके लिए भी नहीं जो हुड़दंग करते रहते हैं। कौन हुड़दंग करते हैं, करे जा रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, पर भक्त नहीं है। बोले मेरे भक्त नहीं है, अगर मेरी भक्ति होती तो कुछ अलग ही बात होती। उनके लिए भी जिनके हृदय में कहीं कुछ अंधेरा है, मैं चिंगारी भेजता हूँ साफ सुथरी भाषा में। ऐसा कौन होगा, ऐसा अपार प्रेम किसके मन में होगा जो कहे कि मैं दुराचारी को भी सीने लगाने को तैयार हूँ, मैं दुराचारी को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। जिसको किसी ने नहीं अपनाया, मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ। बड़ी कठिन है बात, बड़ी कठिन, बड़ा मुश्किल है। भगवान जो कह रहे हैं कि मैं उसको अपनाने को तैयार हूँ, बड़ी कठिन है। कलंकित, अपमानित, आरोपित, तिरस्कृत, बहिष्कृत लोग भी भक्ति के द्वारा बदल सकते हैं। जो अतिशय दुराचारी हैं वे भी, थोड़ा नहीं अतिशय दुराचारी। हमसे एक गलती हो गई थी बस, हमने 50 गलतियां हो गई, हमको 150 गलतियां हो गई। जो भी हो गई हो, भगवान के सामने निश्चल भाव से आप अगर कहोगे तो भगवान, और भगवान की भक्ति करोगे तो मिल जाएंगी आपको भगवान। मन डावाडोल रहता है कि यहाँ नहीं तो शायद वहाँ काम बन जाए, वहाँ नहीं तो शायद यहाँ काम बन जाए, कहीं ना कहीं अपन डोलते रहते हैं। ये अनन्य भाव की खोज बड़ी मुश्किल है। पिछले श्लोक में कहा गया था समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में बराबर हूँ, सब में बराबर, सम सम भाव। मैं केवल मनुष्य तक सीमित नहीं हूँ बल्कि प्राणियों में भी सब में समान रूप से हूँ। जैसे समोहम सर्वभूतेषु जो हो सकता है उसको ये मानना कि वो किसी के लिए नहीं होगा, सबके लिए है। अन्य योनियों में चले जाना, भटकना,
जीवन की गलती हो सकती, जीव की गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, लेकिन भगवान जीव को नहीं भूलते। तुम इतने सारे लोग यहाँ बैठे हो, आप सब बैठे हैं, किसी से कोई गलती कभी हो गई हो तो आज उसका पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित कर लो। आज नवा दिन है और मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि भगवान अंधेरे कोनों में बसे हुए भक्त के लिए भी उसके मन में उसकी याद रहती है, याद करता रहता है बराबर। मेरा ही अंश, मेरे ही जिगर का टुकड़ा, मेरी ही चेतना का हिस्सा है, वो भगवान कहते हैं। आवरण महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने पिछली बार बताया था, कल बताया था, अंतःकरण मजबूत महत्वपूर्ण है। हमारे रंग रूप का, शरीरों का ध्यान रखा हमने, इसका तो हम कर लेते हैं, मेकअप वेकअप कर लेते हैं, बाल वाले से कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर अंतःकरण पे ध्यान नहीं देता। आवरण महत्वपूर्ण नहीं है, अंतःकरण महत्वपूर्ण है। भगवान एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा आवरण भी महत्वपूर्ण नहीं है, अंतःकरण महत्वपूर्ण है, और वो अंतःकरण किसी भी स्थिति में हो, अगर उसमें भक्ति का समावेश है, भक्ति को प्रविष्ट करा दिया, तो अंतःकरण बदलने लगेगा, रूपांतरित होने लगेगा। अब कल्पना करो, कभी हमारे यहाँ अल्टरनेटिव थेरेपी की बात चलती है, हम लोग करते हैं, पहले कभी इतनी ज़्यादा बात नहीं चल रही थी अल्टरनेटिव थेरेपी जितनी आज चल रही है। अमुक आसन से जॉइंट में लाभ मिलता है, अमुक आसन से मसल्स में लाभ मिलता है, ये सब बातें अब हो रही हैं पिछले 10 सालों में, 15 सालों में। अमुक मुद्रा से हमें लाभ हो सकता है, आपने एक्यूप्रेशर कराया कि नहीं, आपने एक्यूपंक्चर कराया कि नहीं, ये सब अभी हो रहा है, पहले नहीं था इतना। कई शोध अनुसंधान हुए हैं, हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, ध्यान के बारे में, योग का अनुसंधान चालू है। बीते युगों में जो बातें अविश्वसनीय मानी जाती थी उनको प्रामाणिक माना जा रहा है। 25 साल पहले जिन बातों के बारे में कहा जाता था, अरे थोड़े बेकार हैं सब, अभी भी कहते हैं लोग बात बेकार, पर जो हो रही हैं वो हो रही हैं, जो सफल हो रही हैं वो सफल हो रही हैं। ध्यान एक ऐसी पद्धति है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को चेंज करती है, मानसिक रोगियों को भी स्वस्थ कर देती है। ध्यान से न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे अंदर सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान की प्रणाली, आसन की प्रणाली, योग की प्रणाली, इसमें बताया जाता है कि योग आपका जो है, आप करो ना करो पर आसन ठीक से रखो, आसन ठीक रखो, थोड़ा बहुत चलो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, तो इतना जो बताया जाता है वो, उससे क्या हुआ है कि इंसान की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। कल के युग में संभव हो कि इस पर भी शोध हो, इस पर भी अनुसंधान हो, बच्चे अपने पिताजी से पूछें, पापा क्या सचमुच मीरा ने विष पिया था, पूछें, बच्चे पूछ सकते हैं, और नहीं मरी थी, शरीर में ऐसा क्या घुल गया था कि विष पीने पर भी नहीं मरी, ऐसी कौन सी प्रतिरोधक सामर्थ्य उसके शरीर में आ गई थी, कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस उसके अंदर आ गया, बच्ची पूछ सकती है आपकी, छोटी बच्ची, क्या ऐसी क्षमता विकसित हो सकती है। आज हम ध्यान से होने वाले परिवर्तनों में, रासायनिक परिवर्तनों में, सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तनों में, माइक्रोलीटर्स में जो होते हैं, माइक्रोलीटर्स में बहुत कम मात्रा में हम नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन पर सब पे प्रभाव का एनालिसिस कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, हमारे यहाँ भी और पूरे देश में अलग अलग जगह। भक्ति में वो बात है, मीरा की भक्ति में वो बात रही होगी, हम नहीं जानते, पर हो सकता है कि भक्ति में वो बात है कि भक्ति के माध्यम से वो आज भी जाते हैं लोग बाग जब मीरा को दर्शन करने के लिए, तो मीरा उस श्री कृष्ण की मूर्ति में मर्ज हो गई थी। जिनकी पास अच्छी आंखें होती हैं, दिव्य दृष्टि होती है, वो मीरा का दर्शन कर सकते हैं, श्री कृष्ण के अंदर श्री कृष्ण में मर्ज हो गई थी, मिल गई थी। हम योग से होने वाले परिवर्तनों की बात नहीं कर सकते, 1940 में ये बातें योग से होने वाले परिवर्तन की नहीं थी। 70 से 80 के दशक में एक रिपोर्ट छपी हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट यहाँ, उसके जो संस्थापक महोदय थे स्वामी राम, वो रिपोर्ट उनके बारे में थी। स्वामी राम ने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में डॉक्टरों के सामने एक प्रयोग किया था हठ योग का। इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने डॉक्टरों को ये बताया कि मैं कुछ मिनट तक हृदय की गति रोक दूंगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता,
हम आपका मॉनिटरिंग करेंगे, हृदय की गति अवरुद्ध हो जाए तो तत्काल मर जाता है। लेकिन उन्होंने कई मिनटों तक हृदय की गति अवरुद्ध रखी, पल्स भी नहीं थी, ईसीजी भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं। सारे डॉक्टरों ने इंस्ट्रूमेंट लगाए, उस ज़माने में जो पत्रिकाएं आती थीं हिंदुस्तान धर्मयुग, उसमें बड़े बेहतर ढंग से कवर किया गया। कई अंग्रेजी पत्रिकाओं में भी छपा था, टाइम मैगजीन ने भी इसको छापा था। ये सन 70 से 80 के बीच की घटना है। उस समय हठयोग से ऐसा कुछ हो सकता है इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया। ये कैसे हो जाएगा कि हार्ट की गति अवरुद्ध हो जाए और आदमी जीवित रहे और बैठ जाए, उठ के बैठ जाए, हाँ भाई हम ठीक हैं, अब देखो हमारी नाड़ी चल रही है, हाँ अब चल रही है, उस समय नहीं चल रही थी। स्वामी जी, स्वामी राम हमारे चिन्मय जिस कॉलेज में पढ़ता था उसके संस्थापक थे और मैं भी उनसे मिला हूँ, और चिन्मय को बहुत प्रेम करते थे वो, और बहुत जल्दी चले गए वो, मतलब चिन्मय कब हुआ था, 1995 में उन्होंने समाधि ले ली थी, और वो भी विलिंगली कह के बता करके मैं इस तारीख को इतनी बजे मैं जाऊंगा, और वो चले गए। हमारे यहाँ भी आए थे, वंदनीय माता जी से मिले थे, और माता जी से मिलने के बाद उन्होंने चिन्मय के सिर पर हाथ रखा, ये हमारे यहाँ पढ़ेगा, तो पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते MBBS कर लिया, MBBS करने के बाद उसने फिर विदेश जा करके MRCP कर लिया। तो वो सारा के सारा जो प्रकाश है वो उनके अंदर जो था वो योग का था। हमारे रसायन में भक्ति से कुछ ऐसे तत्व जग सकते हैं जो जहर को विष को निर्विष कर दें, लेकिन भगवान अपने गीता गायन में कहते हैं, मैं केवल शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रहा हूँ, पर्सनालिटी बदल जाएगी। तुम अपराधी थे, तुम बहुत ज़्यादा पाप किए थे, पर तुम बदल जाओगे, अच्छे हो जाओगे। अभी चेतु दुराचारों भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से जब करता है वो बदल जाता है। पिछले श्लोक में मैंने एक बात कही थी, आवरण नहीं अंतःकरण महत्वपूर्ण है। आज मैं बात कहता हूँ, आचरण नहीं अंतःकरण में परिवर्तन संभव है, और अंतःकरण में परिवर्तन से आचरण में भी परिवर्तन हो जाएगा। आज साइकोलॉजी चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा, बियॉन्ड साइकोलॉजी करके एक विधा निकली है, फैकल्टी निकली है बियॉन्ड साइकोलॉजी। इस बारे में एक केन विल्बर हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बियॉन्ड द साइकोलॉजी। बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनोविज्ञान के दायरे में नहीं है और जो हैं होती हैं। साइकोलॉजी कहती है पर्सनैलिटी ट्रेट में परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं परिवर्तन संभव है। भाई भगवान किताब से बंधे हुए नहीं है, भगवान ने तो अपनी बात कह दी गीता में। दुराचारी साधु हो सकता है, आप कहोगे नहीं हो सकता है। कार्य कारण के सिद्धांत में समीकरण क्या बताते हैं कि भगवान कहते हैं अंतस्य आचरण पैदा होता है, हम तुम्हारा अंतःकरण बदल देंगे, तुम्हारा आचरण बदल जाएगा, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। लड़के का शरीर लड़की के शरीर में बदल सकता है? तुम लोग सबको लड़की बना दें इकट्ठा पूरा, और इन लड़कियों को लड़का बना दें, संभव है? अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि संभव है, संभव है। नहीं, हम तुमको नहीं बदलेंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुमको भी नहीं बदलेंगे। तुमको अच्छा लगता है ना लड़की बनने में? तुमको अच्छा लगता है लड़के बनने में? तो हम तुमको नहीं बदलेंगे, पर हम बता रहे हैं कि आज फिल्मों में आता है पूरा देखो, लड़की जैसे विचार, लड़की जैसा जो सोचता है, चिकित्सक उसको ऑपरेट करके उसको लड़की बना देते हैं चिकित्सक। बड़ा गलत लगता है क्योंकि मालूम नहीं कैसा होगा बात करेगा, तो उसके भावों में परिवर्तन, ऐसा होने पर लड़के के शरीर में एंडोक्राइन सिक्रेशंस होते हैं, लड़के के शरीर में भी रस रसायन पैदा होते हैं। आज चिकित्सक इस बात को मान चुके हैं कि अगर किसी की भावनाओं में ऐसी चीज़ें हैं, गहन भाव हैं, लड़की होने की भावनाएं गहन हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा पुशअप किया जाए, थोड़ा सा उसको ऑपरेट कर दिया जाए, थोड़ा सा बदल दिया जाए, तो उसके अंदर वो सारे हार्मोन सिक्रेट होने लगेंगे जो लड़की के अंदर होते थे। मैं नहीं चाहूँगा भैया किसी का हो ऐसा, पर ऐसा हो चुका है।
हमारी चिकित्सा विज्ञान में ये हो चुका है। भगवान कहते हैं कैसे होता है, भगवान कहते हैं हम आपको रसायन बताते हैं, ये भावों से होता है। भावों की सघनता हमारे शरीर और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भगवान कहते हैं अंतस से आचरण निर्मित होता है, लेकिन ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। अंतस हमारे व्यक्तित्व का, अंतकरण हमारे व्यक्तित्व का, हमारे जीवन का आधार है। अगर उसमें परिवर्तन किए जा सकें संभव है, ये व्यक्ति साधु हो सकता है, दुराचारी हो सकता है साधु। और ऐसे कई किस्से किस्से और कहानियाँ हैं, दुराचारी साधु बन गए, सच्चे साधु हुए। सम्यक अव सम्यक व्यवसिता ईसा, ये श्लोक है हमारा। दृढ़ निश्चय के कारण, दृढ़ निश्चय के कारण सम्यक व्यवस्थिता हिसा, दृढ़ निश्चय के कारण, अपने दृढ़ निश्चय के कारण दुराचारी साधु बन गए। क्या सब दुराचारी साधु हो सकते हैं? नहीं, सब तो नहीं हो सकते, पर वो एक आग होनी चाहिए परिवर्तन के चिंगारी, आत्यंतिक क्रांति होनी चाहिए। कहते हैं कि ध्यान रखो, सब साधु साधु नहीं होते। साधु का कोई आचरण करने लगा, क्या वो साधु हो गया? गोस्वामी जी कहते हैं हाँ, मत मानो ऐसी बात। उगरई अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं आवरण को तुम्हें मानता नहीं हो, तुम मानते रहो। पर गोस्वामी जी कहते हैं दो तीन लोगों ने साधु का आचरण किया लेकिन साधु नहीं हुए। पहला रावण, बिल्कुल सन्यासी बनकर आचरण में उसके अनुभव में कोई कमी नहीं, पूरे अभिनय के साथ तो सीता जी के भिक्षा भिक्षा मांगी। कई बार नकली चीज़ें असली से ज़्यादा अच्छी लगती हैं, नकली चीज़ें असली से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वो नकली बन के गया साधु, और उसने बाकायदा पूरा पूरा साधु का नाटक किया। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है ना, चांदी भी नहीं चमके आर्टिफिशियल चांदी ऐसी, सोना भी नहीं चमके ऐसा आर्टिफिशियल सोना, नकली चीज़ नकली रहती है, ऐसा कुशल अभिनय, ऐसा जबरदस्त आचरण, ऐसे स्वर, ऐसे गीत, ऐसे भजन सुनाए रावण ने कि सीता प्रभावित हो गई। सीता जी को समझ में नहीं आया कि रावण है कि सन्यासी है कि दुष्ट है कि पापी है कि राक्षस है, कौन है हमें नहीं मालूम। दूसरा है राहु, तीसरा है कालनेमी। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए, तो इसमें कालनेमी की भूमिका बता रहा हूँ मैं, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए तो मार्ग में साधु बने हुए कालनेमी से मिले। हनुमान जी जैसे संत, ज्ञानी, दूरदर्शी, विवेकशील, त्रिकालज्ञ, उनसे ही भूल हो गई। रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई है उसमें ये प्रसंग दिखाया कि वो कालनेमी उनके मार्ग में भजन करने में लगा है, वहाँ पर दिव्य दृष्टा बना बैठा है। देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कालनेमी कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उनके पूरे अतीत की बात सुना दी, क्योंकि कालनेमी वो था, तांत्रिक था और रावण का शिष्य था। कहाँ से आए हो, कैसे तुमने राम से मित्रता करा दी, सुग्रीव की, सब कुछ मुझे मालूम है। तो इसे सुनकर हनुमान जी बड़े प्रभावित हुए, तो बड़ा संत आदमी, उसको सब मालूम है। कालनेमी बोला कि बैठो, तुमको मंत्र दीक्षा दूंगा, तुम स्नान करके आओ, तुम राम की भक्ति करना चाहते हो, मैं तुमको राम तक पहुँचाऊँगा। कालनेमी हनुमान जी को राम तक पहुँचाएगा। हनुमान जी को कुछ समय के लिए सही भ्रम में पहुँचा दिया। कालनेमी ने इस तरह साधु का आचरण किया, लेकिन हर साधु का आचरण करने वाला साधु नहीं होता, हर साधु ऐसा नहीं होता। और उसके बाद हनुमान जी को जब होश आ गया कि ये तो गड़बड़ आदमी है, तो फिर उन्होंने घूसा मारा उसको और मार दिया। राहु की बात है, राहु ने ऐसे देवता का रूप बनाया कि बाहर से वो देवते लगने लगा, देवता बनकर देवों की पंक्ति में बैठ गया और देवता नहीं पहचान पाए राहु को। गोस्वामी जी कहते हैं कालनेमी, रावण और राहु, इनके आचरण में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। कमी कहाँ थी? अंतःकरण में। अंतःकरण में आप वैसे बदल सकते हो रूप अपना, पर अंतःकरण नहीं बदला। लेकिन अंतःकरण में कोई बदलाव नहीं आया तो अंतःकरण के न बदलाव आने से पहचान लिया। किए हूँ कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमान। कहते हैं कि जामवंत और हनुमान कुबेश में है, वो तो कोई मेकअप भी नहीं करते यार। जामवंत और हनुमान मेकअप भी नहीं करते, कपड़े भी नहीं बदलते, उनके पास अच्छा आवरण भी नहीं है, रीछ और वानर हैं, लेकिन उनका अंतःकरण अच्छा है।
सबसे बड़ी चीज है अंतःकरण, बाहरी नहीं। भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन, कृत निश्चय, ये संकल्प अपने अंतस की धारा को मोड़ देना। ये फर्म डिटर्मिनेशन की असाधु को साधु बना सकती है दृढ़ता। लेकिन एक कथा सुनने लायक है, बार बार सुनने लायक है, अंगुलीमाल की कथा है। एक भीषण दैत्य था, डाकू दस्यु, अकेला घूमता था। कौशल नरेश प्रसेनजीत की, कौशल कहाँ था? इलाहाबाद के पास वाला एक बेल्ट जो है कौशल कहलाता है, उसे पकड़ पाने में असमर्थ थी। प्रसेनजीत उसे पकड़ने के लिए 100 तरीके करके भी हार गए थे। उन दिनों भगवान तथागत, भगवान बुद्ध कौशल देश पहुँचे। लोगों ने उनसे अंगुलीमाल के बारे में बताया और कहा अंगुलीमाल का बड़ा आतंक है महाराज, वो सबकी उंगली काट देता है, वहाँ उंगलियों की माला पहनता है अपने गले में। भगवान बुद्ध बोले ऐसा कैसे? बोले अब जिसको कहते हैं भगवत्ता, सबके अंदर नहीं होती, भगवान अवतरित होते हैं जिसके अंदर वो आधार होता है, जैसे श्री कृष्ण, उनके अंदर भागवत चेतना उतरती है, इसलिए उनके बारे में भगवान उवाच कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बात है, ऐसा बोल सकते हैं। भगवान बताते हैं कृष्ण वृष्णी वंशियों में मैं कृष्ण हूँ। अरे मैं कृष्ण के भीतर से कोई और बोल रहा हूँ, परमात्मा स्वयं ही बोलते हैं। जब हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो उनके अंदर भी भगवत्ता अवतरित हो चुकी है, वो तुरंत ही अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल की ओर चलती है। लोगों ने कहा महाराज मत जाइए, आपकी भी उंगली कट जाएगी, आपकी उंगली भी काट लेगा वो, काट के अपनी माला बना लेगा, मत जाइए उधर। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि भैया हमारा काम तो लोगों की रक्षा करना है, तुम लोग सब प्रताड़ित हो, परेशान हो, उससे हम उसको ठीक कर देंगे। जंगल में दस्यु अंगुलीमाल भी मिल गया, खूंखार था, डरावना था, जिसके डर से कौशल नरेश प्रसेनजीत की सेना भी कांपती थी। बुद्ध को देखते अंगुलीमाल बोला ठहर भिक्षु, ठहर, रुक जा वहीं रुक जा, किधर आ रहा है? आप बिना चिंता किए, बिना डरे उसकी ओर वो आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल बोला अरे तू डर, लेकिन बुद्ध नहीं डरे, अंगुलीमाल की तरफ बढ़ते गए। अंगुलीमाल बोला मैं कहता हूँ ठहर, आगे मत बढ़। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते बोले अंगुलीमाल मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम ही चल रहे हो कंटिन्यूस। मेरे जीवन में वैशाख की पूर्णिमा एक आई, तो मैं इसमें ठहर गया था। वैशाख की जो पूर्णिमा होती है उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, उसमें संबुद्ध हुए थे। तो बोले कि मेरे जीवन में आने वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन तुम्हें ठहर गया था, तू तो लगातार भागता ही जा रहा है, इधर मारता है, इधर काटता है, इधर उंगली काटता है, कर्मों का जाल तुझे भगा रहा है। अंगुलीमाल बोला कैसा है ये भिक्षु, ये उल्टी बात करता है, मैं इसको डराता हूँ, डरता ही नहीं, चला आ रहा है खुद। वो कहता है कि मैं ठहरा हुआ हूँ और तुम चल रहे हो, हाथों में कुल्हाड़ी लिए, एक हाथ में रस्सी लिए खूंखार दस्यु अंगुलीमाल खड़ा था, अचंभित आश्चर्यजनक वो खड़ा था। बुद्ध उसके पास आए, देखा उन्होंने बुद्ध को, करुणा प्रेम नेत्र, सौम्य मुख, देह से आती सुगंध पद्मगंध आती थी भगवान बुद्ध के शरीर से, पद्मगंध जो कमल होते हैं उनकी गंध, आँखों में अपार करुणा, हृदय में अपार प्रेम, ऐसा उसने कभी देखा नहीं था। बचपन से ही अंगुलीमाल को जीवन में उपेक्षा मिली थी, उसका अध्यापक बार बार उसको उंगली दिखा के कहता था, डांटता था, ए तुम्हें इधर आओ, चलो तुम इधर आओ, तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो। तर्जनी उंगली उसको इतनी खतरनाक लगती थी कि सबसे पहले मैं उसी अध्यापक की उंगली काटूंगा, तो सबसे पहला काम उसने यही किया, बार बार मुझे उंगली दिखाता है। मनोविज्ञान में बात है, मनुष्य के मन में ग्रंथि पड़ जाती है तो वो फिर निकलती नहीं है। अंगुलीमाल बड़ा हुआ तो उसने सबसे पहले उसी अध्यापक की उंगली काटी। ये उसका गुस्सा था, रोष था, जिसके कारण आज उसने उंगली काट काट के अंगुलीमाल बन गया। वो मैं इतने हजार उंगुलियों की माला पहनूंगा, सनक उसकी, डाकू बन गया। लेकिन बुद्ध वो पहले व्यक्ति थे जो उस दुराचारी दस्यु के लिए प्रेम भावना लिए उसके पास पहुँचे, पहले व्यक्ति, इसके पहले कभी कोई नहीं गया उनके पास। करुणा और प्रेम से ओतप्रोत बुद्ध और अंगुलीमाल अवाक खड़ा हुआ कि कैसा आदमी है, मेरी बात, मेरे से डर भी नहीं रहा है। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बोले कब तक भटकोगे अंगुलीमाल, तुम कब तक भटकोगे,
इतने प्रेम से आज तक उससे किसी ने बात ही नहीं की थी। जो भी आता था वो मारता था उसको, जो भी आता था वो मारता था या पकड़ने कोशिश करता था। बुद्ध के नेत्रों से प्रकाश, करुणा, प्रेम की अनेक धाराएं उसके अंतःकरण में बह गईं, बरस गईं। बुद्ध खड़े रहे, धाराएं बरसती रहीं। अंगुलीमाल भीगता रहा, शरीर से नहीं अंतःकरण से। उसके अंतःकरण का न जाने कितने वर्षों का मेल धुल गया। उसकी चेतना में भी कुछ हलचलें हुई, कुछ हिलोरें आईं, उसके अंदर का एक अलग रूप जगा। उसने पूछा कि मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, मैंने कुछ सुना है, इधर उधर लोग बात करते हैं। अंगुलीमाल बोल रहा है, अब अंगुलीमाल बोल रहा है, बुद्ध तुम्हारे बारे में मैंने कुछ सुना है, उनके लोग कहते हैं कि तुम लोगों को बदल सकते हो, क्या मैं भी बदल सकता हूँ? अब यहाँ पूछ रहा है। इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था बुद्ध की प्रेजेंस का, क्या मैं बदल सकता हूँ? यही भगवान का आश्वासन है, जिसमें भगवत्ता होती है वही आश्वासन दे सकता है। हाँ पुत्र, क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अंतर से परिवर्तन हो तो मत परवाह करो आचरण की, तुम बदल सकते हो। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, तुम बदल सकते हो। मैं भी, मुझे कौन स्वीकारेगा, मुझसे तो लोग नफरत करते हैं। भगवान, बचपन से लेकर आज तक मैंने केवल नफरत 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 झेली है। और फिर मेरे मन में आया कि जब मैं नफरत में पला हूँ, नफरत से बड़ा हूँ, तो मैं दुनिया को भी नफरत दूंगा। बुद्ध बोले, ये उचित नहीं था, ये विवेक सम्मत तो नहीं था, ये बुद्धि सम्मत भी नहीं था कि नफरत के बदले नफरत देना। लेकिन छोड़ो ये बात, बात गई सो गई। अब मैं आ गया तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम बदल सकते हो। अंगुलीमाल पहली बार झुका, बुद्ध ने उसे पहली बार गले लगाया और बरबस वो बुद्ध के पाँव में, पाँव चरणों में गिर गया। बुद्ध ने उसको अपने भिक्षु का वेश दिया, अपने साथ ले गए और बुद्ध ने अपना सन्यासी बनाया। बुद्ध ने उसे अपने संघ में स्थान दिया, लेकिन संघ के लोग उस महादस्यु से घबराते थे। बाकी जो सीधे साधे लोग थे, जो तथाकथित सन्यासी, वो घबराते थे, महाराज क्या कर दिया आपने, इस डाकू को हमारे बीच में ला के क्यों बिठा दिया, न जाने कब रात को ये हमारी उंगली काट के चल दे, रात को हमारी गर्दन काट दे। भगवान, तथागत पता नहीं किस व्यक्ति को उठा लाए हैं, इससे तो अच्छा है कि हम लोग ही इसको रात को मार दें। वो लोग जब सोच रहे थे भिक्षु अहिंसा के बारे में, बदले में हिंसा के बारे में सोच रहे थे, तब इसलिए कहते हैं कभी कभी साधुता खोखली होती, उसमें वो बात नहीं होती, उसमें दृढ़ निश्चय कृत संकल्प नहीं होता। अंगुलीमाल तो कृत संकल्प हो गया था, अंगुलीमाल ने संकल्पित कर लिया कि अब मुझे नहीं मारना किसी को, मैं बुद्ध का शिष्य बन के काम करूँगा। अंगुलीमाल की चेतना में, अंतस में सम्यक यानी यथार्थ, व्यवस्थिता, निश्चय, यथार्थ निश्चय आ गया कि मुझे बदलना है। लेकिन जो भिक्षु नए नए साधु बने थे, जो बोधि मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, उनके अंदर फर्क नहीं आया। कई भिक्षुओं ने शिकायत की, महाराज हम आपके यहाँ आए थे साधना करने और आप इसको डाकू को ले आए यहाँ पे, लोग क्या कहेंगे, हमारे संघ में ऐसा दुराचारी, हमारे संघ में ऐसा दस्यु, ऐसा हिंसक व्यक्ति। बुद्ध मुस्कुराए, बोले हाँ सो तो ठीक है, मैं तो उन लोगों की सोच रहा हूँ जो रोज़ रातों में अंगुलीमाल को मारने की घात लगाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सोचा क्यों ना अंगुलीमाल का प्रक्षालन कर दिया जाए, उनके आचरण, उसके आचरण को भी अंतस के अनुरूप कर लिया जाए, लोगों को दिखा दिया जाए कि व्यक्ति बदल सकता है, दुराचारी व्यक्ति बदल सकता है। बुद्ध ने अंगुलीमाल को बुलाया, पुत्र क्या तुम मेरी बात मानोगे? बोले हाँ महाराज, मैं, आपने मेरा जीवन बदल दिया है, मैं अब मानूंगा आपकी बात। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना आशीष मुझे कहीं से नहीं मिला, आपके प्रेम को पाकर मेरा जीवन धन्य है, आप बस बोलिए क्या करना है। बुद्ध ने अनुभव किया उसके अंदर दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका है, दृढ़ निश्चय, उसकी भावनाएं उसके इर्द गिर्द बुन रही हैं। तो पुत्र तुम साहस करो, तुम हिंसा नहीं करोगे। अंगुलीमाल बोला नहीं करूँगा। तो आज तुम कौशल देश में जाओ और अपने हाथ में भिक्षा का पात्र लाओ, लेके जाओ, मेरे लिए आज शाम तक की भिक्षा तुम लेके आओ, जो तुम लेके आओगे वो अपन दोनों खाएंगे, मैं भी और तुम भी, जो तुम लेकर के आओगे भिक्षा का अन्न वही ग्रहण करेंगे। आज दिन भर हमारा उपवास रहेगा, जो तुम शाम को लाओगे वही हम ग्रहण करेंगे। भगवान आज मेरे हाथ की भिक्षा ग्रहण करेंगे? उस दुराचारी दस्यु, दुराचारी तो रहा नहीं, अब सदाचारी हो गया,
ये वरदान से बड़ा वरदान था। भगवान बुद्ध के प्रेम में डूब चुका था। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप प्रेम से किसी को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। अंगुलिमाल ने कहा कोई बात नहीं भगवान, हम जाएंगे। चीवरधारी दस्यु, उसने सब चीवर वगैरह सब पहन लिए थे, भिक्षु के कपड़े पहन लिए थे, भिक्षा पात्र उठाया, चल दिया कौशल देश की गलियों में, प्रसेनजीत की नगरी में। लोगों ने देखा डाकू अंगुलिमाल घूम रहा है। पहले तो लोग डरे, अरे ये क्या करेगा, आज वेश बदल के आ गया है। बोले नहीं, बोले मेरी भी उंगली काटी थी इसने। अरे होगा यार, पर तुम कुछ मत करो, छोड़ो उसको। उसके अंगुलिमाल पर बरसने लगा, अंगुलिमाल पर जहर बरसने लगा लोगों का, कि हत्या करने पर कहीं प्रसेनजीत के सिपाही हमें परेशान न करने लगे। दिन भर अंगुलिमाल पर पत्थर मारते रहे लोग बाग, जिस गली से निकले उस गली के लोग उसको पत्थर मारे। अंगुलिमाल पर पत्थर बरसते रहे, वो सब कुछ सहता हुआ चला, उसके शरीर पर पत्थर लगते रहे। और सांझ होते होते किसी गली में अंगुलिमाल उन पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। अंगुलिमाल संघ नहीं पहुंच पाया, संघ यानी उनका हेडक्वार्टर बुद्ध का। लोगों ने बुद्ध को खबर दी कि आपका भिक्षु लहूलुहान होकर पत्थरों के नीचे दबा पड़ा है। भगवान ने पूछा, अच्छा ये बताओ, लोगों ने तो तुम्हें पत्थर मारे, वो तो स्वाभाविक है, उनके अंदर का जहर उफन उफन के सामने आ गया, लेकिन ये बताओ क्या अंगुलिमाल ने बदले में कुछ किया क्या? उसने किसी ऊपर पत्थर मारा? उसने किसी को क्रोध भरे नेत्रों से देखा? तो लोगों ने आश्चर्य, भगवान उसने किसी को नहीं किया हुआ, वो तो भिक्षा पात्र लिए पड़ा हुआ था पत्थरों के नीचे और तब भी भिक्षा ही मांग रहा था। आज हमें हमारे भगवान के लिए, हमारे गुरु के लिए आज का अन्न चाहिए, ऐसी गुहार लगाता रहा, बदले में उसको पत्थर मिले। भगवान बोले तब ठीक है। भगवान बुद्ध अंगुलिमाल के पास गए और उन्होंने एक एक करके पत्थर हटाए सब, उसकी ड्रेसिंग की पूरी पूरी। पुत्र तुम ज़्यादा घायल तो नहीं हो? नहीं भगवान, उनका गुस्सा था वो निकल गया सब। बड़े आंसू भरे नेत्रों से उसने कहा, हे तथागत, हे भगवान, मैं आपके लिए भिक्षा नहीं जुटा पाया आज। ये उसका दुख ये कि वो भिक्षा नहीं जुटा पाया। आपने क्या भोजन किया? बुद्ध बोले, पुत्र मैंने तुमको वचन दिया था आज मैं वही खाऊंगा जो तुम लेके आओगे मेरे लिए, आज उसी से मेरी रसोई होगी। तब तो प्रभु आज आपको भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिया। भगवान ने पत्थर उठाए, घाव साफ किए और लोगों ने, भीड़ ने भगवान बुद्ध को, अंगुलिमाल को घेर लिया। पहले तो बुद्ध को कोसा, तुमने किस व्यक्ति को अपने संघ में स्थान दिया, तुम कैसे व्यक्ति हो? बुद्ध ने कहा, मैं कैसा हूँ ये बात तो छोड़ो, तुम कैसे व्यक्ति हो? दुष्ट तुम हो, क्यों मारा तुमने इसको? ये तो किसी, इसके हाथ में कोई शस्त्र तो नहीं था, फिर तुमने क्यों मारा इसको? वो बोले, भगवान बोले कि क्या इस व्यक्ति से कौशल नरेश की पूरी सेना भय नहीं खाती थी? बोले हाँ खाती थी। अगर ये तुमको डराता तो क्या तुम डरकर नहीं भाग जाते? बोले भगवान, भाग जाते तो तुम्हारे पत्थरों के उत्तर में इसने कोई हिंसा करने की कोशिश की नहीं की? तो इससे सिद्ध होता है कि ये बदल गया है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये बदल गया है, ये बदलने की ओर है। इतने पत्थर खाने के बावजूद अगर ये नहीं डिगा, नहीं हिला, नहीं चेंज आए इसके अंदर, तो ये पत्थरों से पिटने के बाद भी, मार खाने के बाद भी इसने तुमको कुछ नहीं कहा, केवल एक मट्ठी अन्न मांगा। अचानक सब के सब भागे अपने अपने घरों में अन्न लेने के लिए कि बुद्ध को अन्न देना है, बुद्ध को अन्न देना है। बुद्ध के ऐसे वचन पर सब लोग शर्मिंदा थे, उनकी आंखें झुकी हुई थी। बुद्ध ने बोले, मैंने तो इसको वचन दिया है, मैंने इसे कहा मैं तभी अन्न ग्रहण करूँगा जब इसके हाथों से मेरे लिए भिक्षा करना आएगा। अन्यथा बीतते जाने दो दिनों को, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन जाएंगे, कोई बात नहीं, हम भूखे रहेंगे। गांव वाले बड़े शर्मिंदा हुए, लोग बड़े झुके हुए नेत्रों से देख रहे थे। लोगों ने कहा, भाई तुमने गलतियां की, तुम प्रायश्चित डगर निकल चुके, हमने तुम पर विश्वास नहीं किया, ये हमारी गलती है। लोग आए, भिक्षा उसके कमंडलों में डाली। अंगुलिमाल को भारी लूटपाट से, भारी हिंसा से, अनेकों लोगों को उंगली काटने से जो खुशी नहीं मिली थी, वो आज दो मुट्ठी अन्न से मिली। दो मुट्ठी अन्न तो नहीं, ज़्यादा ही था। बड़ा खुश हुआ, भगवान हमें बड़ा संतोष है कि आज आप भूखे नहीं सोएंगे और हम भी भूखे नहीं सोएंगे।
आपने हमारे घावों की ड्रेसिंग कर दी और हमें चोट लगी है, हम जानते हैं, परंतु हमारा किसी के प्रति, हमारे मन में किसी के लिए कोई भी गुस्सा नहीं है। अंतस को परिवर्तित करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। होने दो दुराचरण, क्या फर्क पड़ता है, अंतस बदलेगा तो आचरण बदल जाएगा। रावण का अंतस नहीं बदल सका, कालनेमी का अंतस नहीं बदल सका, राहु का अंतस नहीं बदल सका। अंतःकरण का परिवर्तन सबसे पहली चीज है। आप बाहर से क्या कहते हैं और बाहर से क्या वेशभूषा पहनते हैं ये अलग बात है। भगवान कहते हैं बदल सकता है, उन्होंने एक रसायन खोजा जिसका माध्यम से बदल सकता है, प्रेम करुणा भक्ति। प्रेम करुणा भक्ति ये रसायन है जिससे आदमी बदल सकता है। भावों की सघनता, प्रेम में वो ताकत होती है, भक्ति में वो ताकत होती है कि बड़े बड़े सिंहासन पे आरूढ़ व्यक्ति भी उनके सामने फीके पड़े की बातें उनके सामने फीकी पड़ जाती हैं। इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं वो भी अलग, सब अलग अलग ढंग से अपनी अपनी बात कहते हैं, पर ये जो है भक्ति, इसमें सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं एक घटना सच्ची सुनाने जा रहा हूँ। दरभंगा नरेश राजा रमेश्वर प्रसाद सिंह हुए हैं, दरभंगा नरेश, उनकी मुलाकात होती थी वाइसराय लॉर्ड कर्जन के साथ। लॉर्ड कर्जन के जिनों जीवन में दो ऐसी घटनाएं घटी जिसमें रमेश्वर प्रसाद सिंह के साथ उन्हें मिलना था, लेकिन राजा रामेश्वर प्रसाद को उनसे मिलने में देरी हो गई। वैसे जब भी वाइसराय बुलाते थे तो कभी देरी नहीं होती थी। क्यों देरी हो गई? मिथिला के लोग जिसे राजा जनक को मानते हैं, जिसे राजा जनक राजर्षि थे, उसी तरह रमेश्वर प्रसाद भी ऋषि जैसे थे, साधना संपन्न व्यक्ति थे। लॉर्ड कर्जन उनसे पूछा, तुम हमारे पास मिलने क्यों नहीं आ पाया, तुम हमारे पास मिलने क्यों नहीं आया, टाइम पे क्यों नहीं आया? बोले, माँ के काम में लगा था, माँ का काम करता रहा, माँ के भक्त थे, माँ का काम करता रहा। फिर कुछ बातें आईं तो माँ का ध्यान करने लगा। तुम्हें दो माँ हैं? हाँ, दो माँ हैं, एक मेरी जन्म देने वाली माँ और एक जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, वो मेरी माँ, मैं उनकी सेवा में लग गया। तो क्या तुमको माँ के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हें यह नहीं लगा मैंने तुमको बुलाया? मैंने कहा, उन्होंने कहा रमेश्वर प्रसाद सिंह ने, कि हमें फ़र्क क्या पड़ता है, आप नाराज भी हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिसने मुझे जन्म दिया और जो मेरी माँ है, जीवन देती है, जिसका मैं ध्यान करता हूँ, उसकी मुझे चिंता पहले है, आपकी चिंता नहीं मुझे। देखो वाइसराय जो है ना, वाइसराय होता है बड़ा बड़ा आदमी। लॉर्ड कर्जन ने कहा, तुम अपनी माँ से कहो कि हिंदुस्तान के वाइसराय ने कहा है कि आप उसको आशीर्वाद दें। बोले, मेरी माँ को जब समय होगा तो आपको बुला लेंगी और आपको आशीर्वाद देंगी, पर मेरी माँ में प्रेम है। एक सामान्य सी घटना है, जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तुम नाम सुना उनका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके पिता थे आशुतोष मुखर्जी, उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। उनकी योग्यताओं से कर्जन बड़ा प्रसन्न रहा करता था। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी होती थी तो वो आशुतोष मुखर्जी को बुलाता था, उनसे बात करता था, बहुत विद्वान, बहुत गंभीर चिंतक। एक बार वो आशुतोष मुखर्जी जो है उनसे बोला, तुम मेरे साथ इंग्लैंड चलो, मैं तुम्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दूंगा, कैम्ब्रिज का चांसलर बना दूंगा, तो मेरे साथ वहीं चलो। तो बोले, माँ से पूछ कर बताऊँगा। अरे तुम माँ से कह देना लॉर्ड कर्जन ने कहा है। नहीं, मैं नहीं कह सकता, वो आपको नहीं जानती, वो मैं कहूँगा तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी माँ की, इसलिए मैं नहीं कह पाऊँगा। मेमोयर्स ऑफ कर्जन करके किताब है, उसमें ये सब बातें आई हैं। प्रेम करना, वो श्रद्धा, वो भाव, वो भक्ति, वो दृढ़ निश्चय, किसी के सामने न झुकने वाली बात, भगवान कहते हैं अगर वो प्रेम आ जाए, अंतकरण में बात आ जाए, तो ईश्वरी चिंगारी जल उठेगी, दुराचरण उसकी आग में भस्म हो जाएगा, फिर दुराचरण देर तक नहीं टिकेगा। वाल्मीकि का दुराचरण टिका क्या? वाल्मीकि तो ऋषियों के कहने पर चले गए, तुरंत ब्रह्मर्षि बने, निमाई निताई चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने, उनका दुराचरण टिका क्या? वो भी डाकू थे।
चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में उनके संसर्ग में वो साधु हुए। अंतस में परिवर्तन इसी प्रकार होता है। दुराचरण क्या है? डावाडोल मन। दुराचरण का मतलब होता है डावाडोल मन। आज ये सोच लिया, कल ये सोच लिया। आज ये सोचा शराब नहीं पियेंगे, कल शराब पी ली। ये सिगरेट नहीं पियेंगे, सिगरेट छू लेते हैं। और ये बात जो है, ये हर एक के जीवन में होती है। भटकते हुए मन को हमें स्थिर करना है। साधना से भटकते हुए मन को हमें स्थिर करना है। एक बार उसे भगवान के संपर्क में लाना है, उसे भगवान की भगवत्ता का स्मरण कराना है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी भगवान श्री राम की वाणी को शब्द देते हुए कहते हैं, सन्मुख होई मोहि जीव जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशय तवें। कोटि मतलब करोड़, अघ यानी पाप, करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं अगर मेरे सामने आ जाए वो। तो सवाल ये नहीं कितने दिनों का अंधेरा है, अंधेरा तत्काल दूर होगा। मुझे पुकारे तो सही, मेरे सन्मुख तो आए, फिर देखो कैसे परिवर्तन होते हैं। भगवान कहते हैं बदलाव होगा, लहर आएगी, ध्यान रखो। जिस समय सम्यक व्यवस्थिता मेरी जीभ लपेटे खा जाती, व्यसिता सम्यक व्यसिता दृढ़ निश्चय आता है, उस समय साधुरेव समन्तव्य, उसको आप साधु ही जानो। कभी कभी तो आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, कभी कभी परिवर्तन आता है। क्या जीव जंतुओं में भी परिवर्तन आता है? क्या जीव जंतु भी बदल सकते हैं? मैं घटना बता रहा हूँ। नीरद वरण श्री अरविंद के शिष्य थे। नीरद वरण इवनिंग टॉक्स में उन्होंने किताब लिखी है, एक प्रयोग कर रहे थे श्री अरविंद के, पशु योनि में भी क्या मोक्ष दिलाया जा सकता है? पशु योनि में मोक्ष दिलाया जा सकता है? एक बिल्ली थी उनके यहाँ, उसको मोक्ष दिलाना चाहते थे। बिल्ली बिल्ली जैसी ही थी, बिल्ली वाले सारे काम करती थी, उसकी आदत पड़ी हुई थी। बिल्ली दूध पी लेती थी, बिल्ली तरह तरह के बात काम करती थी, पर चूंकि वो श्री अरविंद की बिल्ली थी ये कोई गड़बड़ नहीं करता था। समाधि में कभी कभी चली जाती थी, श्री अरविंद और माँ बैठते थे तो एक तीसरी कुर्सी उसके लिए रखी जाती थी बिल्ली के लिए, बिल्ली वहाँ बैठ करके वहाँ समाधि लेती थी, वो भी समाधि करती थी। अभी अभी दूध मलाई खा के आई है और अब समाधि कर रही है। भगवान कहते थे कि श्री अरविंद कहते थे कि नीरद वरण तुम को मैं जितना प्यार करता हूँ उतना उस बिल्ली को भी करता हूँ। महाराज आपने हमको क्या बना दिया? पशु बना दिया, पशु के बराबर बना दिया आपने? नहीं, एक दिन क्या हुआ, बिल्ली को चुरा कर खाई और उस समय नीरद वरण के डर के कारण दूध का भगोना भी गिरा दिया। नीरद वरण को बहुत गुस्सा आया, अब आज हम दूध कैसे पियेंगे, रात चाय कैसे पियेंगे कल सुबह? तो डंडा लेके घूम रहे थे को ढूंढ, उस जब तक वो बिल्ली मिलेगी नहीं उसको हम मारेंगे नहीं तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। सांझ के समय की वार्ता के समय श्री अरविंद पहले बैठ कर ध्यान करते थे और बिल्ली भी अपनी कुर्सी पर जाके बैठ गई, उसके लिए अलग से कुर्सी थी। नीरद वरण डंडा लेकर आया, जिसको मारूं, जैसे नीरद ने बिल्ली को मारने का डंडा उठाया, श्री अरविंद बोले नीरद ये क्या कर रहा है? वो बोले कि बिल्ली सब दूध गिरा दी, तब तक बिल्ली ध्यान में बैठ चुकी थी। अरविंद ने कहा अरे बेवकूफ़, जानता है बिल्ली किस अवस्था में है? किस अवस्था में है? ध्यान में है, समाधि की ओर जा रही है, ध्यान में है और समाधि की ओर जा रही है। देखो हो गई इसकी समाधि, आंखें बंद करके समाधि की अवस्था, और आंखें बंद करके समाधि की अवस्था में बैठी थी। नीरद वरण बहुत खिसियाए, बोले हमें समझ में आ गया आपका अति मानस कहाँ आएगा, पहले बिल्ली में आएगा फिर बाकी में हम अति मानस की बात करते थे ना, वो सुपरमाइंड, आप आशीर्वाद देते नहीं हम लोगों के लिए और आप बिल्ली पर प्रयोग करते रहते हैं। शेरविंद ने कहा अभी तेरा समय नहीं आया है, लेकिन इस बिल्ली का आ चुका है, पूर्व जन्म की ये एक देवी शक्ति है, ये समाधि में जा सकती है। भगवान यही तो कह रहे हैं, ईश्वरी प्रेम जीव को कभी भी प्राप्त हो सकता है, किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है। ईश्वरी करुणा जीव को कभी मिल सकती है। मजबूत संकल्प करना है, दिखावा नहीं करना, भक्ति का दिखावा नहीं करना, मजबूत संकल्प करना है। एक पद है भगवान का,
हरिसो लागी रहूं रे भाई, राका तारे बाका तारे, तारे मीरा बाई। मीरा बाई को भी आपने तारा, उसकी रक्षा की। हरिसो लागी रहूं रे भाई, सदन कसाई को भी भगवान तार देते हैं, तारों सदन कसाई। बात यह कि भावनाओं में क्रांति होनी चाहिए, एक तूफान होना चाहिए। जीवन में परिवर्तन नहीं संभव है, उनका ज्ञान अधकचरा है जो कहते हैं व्यक्तित्व नहीं बदले जा सकते। व्यक्तित्व कैसे नहीं बदल सकते? भगवान कहते हैं जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया क्या वो भक्ति करेगा? वो तो साधु बनेगा ही। एक महात्मा थे शिवेंद्र स्वामी, एक गांव में रहते थे। उस गांव के आसपास का एक डाकू का बड़ा आतंक था, उसका नाम था दुर्दम सिंह। बड़ा आतंककारी डाकू था, लोग उससे बड़े डरते थे, बड़े परेशान रहते थे। अब कर्म तो सबके उभरते ही हैं। एक दिन उस डाकू ने कईयों को मारा होगा, डाकू के कर्म भी उभर के आए। उसको रोग हो गया, भारी स्किन डिजीज़, बॉडी की डिजीज़। लोगों ने उसको गाली दी, लोगों ने उसको पत्थर दिए, पत्थर डंडे मारे, जैसे अंगुलीमाल के साथ हुआ था। महात्मा शिवेंद्र स्वामी उस डाकू को आश्रम में ले आए और उनको जो जड़ी बूटियों का जो ज्ञान था उससे उन्होंने औषधियों का लेप बना करके उसके शरीर के घाव पर लगाया, उसको पीने को काढ़ा दिया। महाराज आप क्यों ऐसा करते हैं? वो रोता रहता था दुर्दम सिंह, हम तो हैं ही बुरे, गांव के लोग जो कहते हैं आपको हमारे बारे में सही कहते हैं। कितने लोगों ने महात्मा जी पर दबा डाला, इस अपराधी को अपनी आमत रखिए, कभी भी आपके यहाँ का सामान लेके चल पड़ेगा ये। महात्मा जी बोले आप लोगों को हमारे आश्रम आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, मेरे लिए सब नारायण है, मैं तो सेवा करूँगा। शिवेंद्र स्वामी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से लोगों को बहुत लाभ दिया था, उनकी तपश्चर्या से लोग प्रभावित थे। आखिरकार लोगों ने मान लिया कि महात्मा जी की बात छोड़ो, वो जो सेवा करते हैं उन्हें करने दो। अब मैं यहाँ थोड़ा इस कहानी को यहीं रोककर गुरुदेव की बात लाता हूँ। गुरुदेव के गांव में एक आदमी था जो डाके डालता था। गुरुदेव आंवलखेड़ा के रहने वाले थे और उनसे थोड़ी दूर एक गाँव था, वहाँ वो डाके डाल के आता था। एक दिन क्या हुआ, वो भी बीमार हो गया। ऐसे बिल्कुल यही घटना है, एग्जैक्टली यही। एक दिन वो भी बीमार हो गया और लोगों ने जा के उसको बहुत मारा पीटा। लो आज हम बदला लेते हैं। गुरुदेव को जब पता चला, गुरुदेव गए उसको लेके आए, अपने हवेली में लाए। बड़ी हवेली थी गुरुदेव की, अभी भी है वो। हमने उसको चेंज स्वरूप बदल दिया उसका थोड़ा सा। तो वो गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आप उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। नहीं, हम नहीं करेंगे बाहर, हम उसकी सेवा करेंगे। गुरुदेव ने खूब सेवा की उसकी। जब वो स्वस्थ हो गया तो उसके बाद वो गुरुदेव का काम करने के लिए गुरुदेव की किताबें ले लेके लोगों के बीच में जाता था और बांटता था। पर कैसे परिवर्तन नहीं हो सकता? कोशिश तो करो, अंतःकरण बदलने की कोशिश तो करो। गुरुदेव ने की और वो डाकू बदल गया। इस घटनाक्रम को साल भर बीत गया। मैं जो अब अपनी पुरानी वाली कहानी पे आता हूँ, दुर्दम सिंह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे चलने फिरने लगा। अभी भी लोग उसको धिक्कार की नज़र से देखते थे, गाली देते थे, महाराज आपने मुझे जीवन दे दिया, जीवन रक्षा कर ली। बचे हुए जीवन में मैं चोरी भी नहीं कर सकता, अब तो डकैती भी नहीं डाल सकता, भजन भी नहीं कर सकता। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, तू भजन न कर, तू सेवा कर। तो फिर ठीक है, हम सेवा करेंगे। हम किसकी सेवा करें? एक लोग शाम के समय सत्संग के लिए आते हैं तो उनको साफ जगह मिलनी चाहिए। तो झाड़ू वगैरह लगा दिया कर, साफ सुथरा कर दिया कर, साफ सुथरा कपड़ा बिछा दिया कर उन लोगों के लिए, और तू यहाँ से हट जाया कर, उनके सामने मत आया कर। धीरे धीरे उसकी सेवा होने लगी दुर्दम सिंह की। मैं दूसरी कहानी बोल रहा हूँ, पहले वाली जो थी ना वही वाली को रिपीट कर रहा हूँ। लोगों ने पहले से दुत्कारा धिक्कारा, दूर हट भाग यहाँ से, फिर धीरे धीरे बोले छोड़ो, अच्छे से जाने दो। धीरे धीरे उसके प्रति लोगों के मन में जो घृणा थी वो हट गई, देश उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब महाराज जी कथा कहते तो सबसे पीछे दूर कोने में बैठा रहता था दुर्दम सिंह, वो उस कोने में बैठा रहता। तो मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दुर्दम सिंह की बात कर रहा हूँ। दूर कोने में बैठा रहता था और कथा सुनता, समझने की कोशिश करता, ज़्यादा नहीं आता था पर कुछ समझता था। कथा चलते कीर्तन होता तो कीर्तन बजाता था। अब उसके अंदर जो भक्ति थी वो अंकुरित हो रही थी धीरे धीरे। भगवान जी कहते हैं अपिचेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाक,
साधुरेव समन्तव्य सम्यक अवस्थितो हि सः। साधु बनने की उसकी यात्रा शुरू हो गई थी, उसके आचरण में परिवर्तन आने लगे थे, शरीर से स्वस्थ हो गया था, महाराज जी की सेवा करता, महाराज जी के पांव भी दबाता, महाराज जी के बारे में सोचता, यही तो हमारे गुरु हैं, इन्होंने ही तो हमें बदला है, हमारे आश्रयदाता भी यही है। गांव वालों ने भी अब उसको स्वीकार कर लिया था कि महाराज जी ने जब स्वीकार कर लिया है तो हम भी स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद शिवेंद्र स्वामी ने मोक्ष ले लिया, शरीर छोड़ दिया। महाराज जी तो ब्रह्मज्ञानी संत थे, मोक्ष धाम में चले गए। अब कुछ समय तक दुर्धम सिंह रहा, उसने महाराज जी का चबूतरा बना लिया, उनकी यादों के सहारे जीता था। अब दुराचरण डाकू स्वभाव सब पीछे छूट गया, लोग उसके पास आते, उससे पूछते कि भाई तुम अपने संस्मरण बताओ स्वामी जी के बारे में। वो बताता था, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये देखा। तो वही डाकू जो सबके लिए बेकार था वो कितना महत्वपूर्ण बन गया। जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो ऐसा कहते हैं कि जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज ने चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त जो हैं उनके ऑफिसर के ऑफिस में हैं, इंचार्ज का यमराज के ऑफिस में। उन्होंने कहा महाराज इसका क्या किया जाए। ऐसा कहते हैं कि अंत मति सो गति, जो अंत में मति होती है वही गति होती है। ये किसको सोचते हुए व्यक्ति मरा, तो महाराज तो शिवेंद्र स्वामी को सोचते हुए मरा, इसके चिंतन में वही थे बस। लेकिन इसके बड़े दुष्कर्म हैं, इसने कई लोगों की हत्या की है, मारकाट भी की। तो उन्होंने कहा यम देवता ने इसको यम यातना दो, विश्वविचिका यातना, श्वासरोधी यातना। ये दो तीन तरह की यातनाएं होती हैं और दो तीन दिन में निपटा दो, और निपटाने के बाद फिर इसको हमारे धाम में ले आओ। दुष्कर्मों का भोग हो गया, अब शिवेंद्र स्वामी के बारे में सोचते हुए मरा, इसलिए बिल्कुल बदल गया वो। सिद्ध संत थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उनकी ज्योति तो परम ज्योति में विलीन हो गई, परंतु यमदेव भी यमाचार्य हैं, वो निर्णय सही करते हैं। उन्होंने उसको छोड़ दिया, उन्होंने उसको कुछ कोई दंड नहीं दिया। यमदेव ने उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, किसको, डाकू को। आपको याद होगा यमदेव ने एक उपदेश दिया था किसको, नचिकेता को, और यमदेव ने एक उपदेश दिया दुर्धम सिंह को, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। वो सब छूट गया, भक्ति के अलग जगी, अंतकरण परिवर्तन हुआ, आचरण बदला, अंतकरण बदला, अंतकरण के परिवर्तन से सब परिवर्तित हो जाएगा। व्यक्तित्व की परिभाषा अंतकरण से होती है, पूरी छटा बदल गई। ये है महिमा भक्ति की। आज अभी और अब, अभी और अब, इसी क्षण हम बदल जाएं और हम अपने आप को बदल करके अपने चिंतन को बदलें, हमारी सही दिशा बन जाएगी। भगवान भक्ति और भगवान, हमने भक्त भक्ति और भगवान इनके बारे में 9 दिन तक चर्चा की। आप लोगों को कैसी लगी, कहानियाँ अच्छी लगी कि वो सब अच्छी लगी। ये इसलिए कि भक्त भक्ति और भगवान अपने हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। भगवान कैसे हमको नहीं मालूम, हम ठीक ठीक भक्त हुए कि नहीं हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हमारे भीतर भक्ति अंकुरित हो जाए तो वो श्रद्धा व समर्पण परमात्मा के उस रूप के लिए जिसमें हमें निष्ठा है, जिसमें हमारे गुरु हैं, वहाँ पर हमारी आस्थाएँ टिक जाएँ तो हमारी भक्ति जम जाएगी। भक्ति की लो जल गई तो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाएगा, समग्र रूप से हम परिवर्तित हो जाएंगे। हमारे अंतकरण में कहीं ना कहीं कबीर छुपे बैठे हैं, हमारे अंतकरण में कहीं मीरा छुपी बैठी है। हर प्राणी में मैं ही तो हूँ, वो रूप ले सकते हैं, आकार ले सकते हैं, वो कहते हैं मई तेतेशी चापी हम, परमेश्वर हमारे में प्रकट हो सकते हैं यदि हम चाहें तो। भगवान हमारे अंतकरण में प्रकट हों। 9 दिन के स्वाध्याय का अंतिम निष्कर्ष यही हमारी प्रार्थना है, यही शुभ भावना है कि अंतस में भगवान आए। जब भी अवसर हो, जब भी उनको लगे कि टाइम है हमारे पास इनके पास जाने का, तो तुम्हारे अंतकरण में आएंगे। आज की क्लास और 9 दिन की क्लास समाप्त। एक गीत लिखा है ओंकार जी ने, हमारा राजकुमार ने 9 दिन की पूरी कथा का सारांश लिखा है।
वो मैं टाइप करा करके तुम लोगों को कॉपी दे दूंगा, तो बहुत अच्छा लिखा है इसने। हाँ बोलिए। हे नव दुर्गे दुर्मति हारिणी, देवों की वरदायिनी माँ। हे नव दुर्गे दुर्मति हारिणी, देवों की वरदायिनी माँ। दुर्गम पथ को सुगम करो माँ, दुर्गम पथ को सुगम करो माँ। भक्तों की कल्याणी माँ, हे नव दुर्गे दुर्मति हारिणी। दशकंधर का अहन नाश करने वाली माँ सीता हो, दशकंधर का अहन नाश करने वाली माँ सीता हो। अंतर मन के कुरुक्षेत्र में योगेश्वर की गीता हो, अंतर मन के कुरुक्षेत्र में योगेश्वर की गीता हो। हे जगदम्बे सिंह वाहिनी, हे जगदम्बे सिंह वाहिनी। भुवनेश्वरी भयहारिणी माँ, हे नव दुर्गे दुर्मति हारिणी। देवों की वरदायिनी माँ, हे नव दुर्गे दुर्मति हारिणी। शैल श्रृंखलाओं में प्रगटी शैल पुत्री जगदात्री हो, शैल श्रृंखलाओं से प्रगटी शैल पुत्री जगदात्री हो। ब्रह्मचारिणी हो शिव शक्ति कुंडलिनी सावित्री हो, ब्रह्मचारिणी हो शिव शक्ति कुंडलिनी सावित्री हो। करें साधना नवरात्रि में, करो साधना नवरात्रि में। जीवों की उद्धारिणी माँ, हे नव दुर्गे दुर्मति हारिणी। देवों की वरदायिनी माँ, हे नव दुर्गे दुर्मति हारिणी। देवों की वरदायिनी माँ, दुर्गम पथ को सुगम करो माँ, दुर्गम पथ को सुगम करो माँ। भक्तों की कल्याणी माँ, हे नव दुर्गे दुर्मति हारिणी। देवों की वरदायिनी माँ, भक्तों की कल्याणी माँ, फलदायिनी कात्यायिनी माँ, सिद्धिदात्री जगदारिणी माँ। हे नव दुर्गे दुर्मति हारिणी। आज की आरती जो है हमारे शिक्षक लोग करेंगे, शिक्षक गण, केवल जो यहाँ पढ़ाते हैं वही शिक्षक हैं हमारे, वो शिक्षक यहाँ से आ जाएं, यहाँ से उठ के आ जाएं, इधर आ जाएं। ॐ यं ब्रह्म वेदान्त विदोऽरन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथा विश्वोद्गते कार्य
चारुता सुनवन्ति जिह्वे स्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ जय भगवद्गीते जय जय भगवद्गीते हरि कमल विहारिणि हरि कमल विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॐ जय भगवद्गीते मर्म सुमर्म प्रकाशिनि कामाशक्तिहरा तत्त्वज्ञानविकासिनी विद्या ब्रह्मपरा ॐ जय भगवद्गीते निश्चल भक्तिविधायिनी निर्मलमलहारी निरुमलमलहारी शरणरहस्यप्रदायिनी सब विधि सुखकारी ॐ जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा अवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मानासिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ॐ जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख के वाणी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते जय जय भगवद्गीते हरे कमल विहारिणी हरे कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते दोनों हाथ ऊपर कर लें और प्रार्थना करें कि इन नौ दिन का प्रसाद हमें माँ की भक्ति माँ के ऊपर हमारे ऊपर प्रसन्नता इस रूप में मिले हमें ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।